उपस्थित श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी वाचना सुनी। आज दो अध्ययनों की वाचना हुई। बंधुओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र के विषय में पहले कुछ बताना चाहूँगा। संसार में अनेक धर्म हैं, सभी धर्मों के अपने अपने धर्म शास्त्र हैं। सभी लोग अपने धर्म शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हैं और जो उस शास्त्र में संदेश दिया गया है उसके अनुसार चलने का प्रयास भी करते। इन धर्मशास्त्रों में जैन धर्मशास्त्र की बात करूं तो बताना चाहूँगा, जैसे वैदिक धर्म में गीता धर्म शास्त्र का महत्व है, बड़े आदर के साथ गीता को पढ़ा जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर उनका एक धर्म शास्त्र है जिसका नाम है धम्मपद। धर्मपद, धर्म के वचन, जो महात्मा बुद्ध के वचन हैं, बड़े आदर के साथ उसे वो रखते हैं, पढ़ते हैं। बंधुओं, इस्लाम में कुरान को बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता है और ईसाई धर्म में बाइबल का बड़ा महत्व है। भारत के धर्मों में और भी कई धर्म हैं, जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब का बड़ा महत्व है। कहना यह है कि दुनिया में जितने धर्म शास्त्र हैं वे सब अपने अपने अनुयायियों में बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़े जाते हैं। जैन धर्म में कौन सा ऐसा ग्रंथ शास्त्र है जिसके लिए हम ये कहें कि ये जैन धर्म का शास्त्र है? बंधुओं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वो शास्त्र है
जो जैन धर्म के अंदर बहुत बहुत श्रद्धा से पढ़ा सुना जाता है। और कहूँ मैं ये जैन धर्म की गीता है, ऐसा ये उत्तराध्ययन सूत्र है। भाई और बहनों, आप कुछ सोच रहे होंगे, उत्तराध्ययन का जो इतना ऊंचा स्थान है ये किस कारण से है, क्यों कर है? कोई भी शास्त्र हो या वस्तु हो, उसका अपना एक इतिहास होता है। ये कब बनी, किसने बनाई, पुस्तक है तो किसने लिखी, लेखक कौन है, आदि आदि इस तरह के प्रश्न होते। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की आपको उत्पत्ति की कथा बताना चाहूँगा। वो धन्य धन्य समय था कि जब भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हमारे आराध्य प्रभु इस धरा के ऊपर विचरण कर रहे थे। गामानुगाम द्विजमाने, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर प्रभु का विहार चल रहा था। जहां भी प्रभु पधारते, वे धर्म देशना देते, लोग सुनते, धन्य धन्य हो जाते। ये क्रम चल रहा था। और कहूँ मैं, ज्ञान का सूर्य पाँव पाँव चलता हुआ जनता को ज्ञान का प्रकाश बांट रहा था। भगवान एक जगह पर विराजमान थे। उस दिन जो लोग दर्शन करने आए, उन लोगों में, उन व्यक्तियों में एक राजा भी आए। राजा, कितने ही राजा आते रहे। उस दिन जब मैं बात कर रहा हूँ, राजा आए, उनका नाम हस्तिपाल था। क्या नाम था श्रावक को? उस राजा का नाम हस्तिपाल था। वह अपनी पूरी राज परिषद के साथ आया था। मंत्री थे, पुरोहित थे, और थे, सब राज परिवार था। पूरा उसका जो भी राज्य संबंधित परिवार था, लोग थे, वो सब आए। उन्होंने आकर प्रभु को वंदना की, प्रभु के भक्ति की। वंदना करके, प्रभु भक्ति करके वे अपने स्थान पर बैठ गए थे। बंधुओं, भगवान ने धर्म देशना दी, सबने सुनी, सब धन्य धन्य हुए। उसके अनंतर, उसके बाद राजा हस्तिपाल खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान
आने वाला जो चतुर्मास है वह आप मेरे राज्य में, मेरी राजधानी में करने की कृपा करें। त्रिनगर वालों, इस बात से मालूम होता है श्रावक जनों की, श्रद्धालुओं की चतुर्मास के लिए प्रार्थना करना ये भगवान महावीर के समय से है। हस्तिपाल उदाहरण है इसका। हस्तिपाल ने प्रार्थना की, भगवान मेरी राजधानी जिसका नाम अपापापुरी है, क्या नाम है, अपापापुरी, बड़ा अजीब सा नाम है अपापापुरी। अपापापुरी का अर्थ होता है जहाँ पाप न हो। क्या अद्भुत बात कही, जहाँ पाप न हो। आप पूछोगे गृहस्थ अपना जीवन चलाते हुए क्या ये संभव है कि पाप न हो। श्रावक धर्म की बात यह है कि श्रावक के अणुव्रत है, महाव्रत नहीं है। अहिंसा अणुव्रत है, अर्थात जो त्रस जीव हैं उनके हिंसा का त्याग है, जो स्थावर हैं उनके मर्यादा है। ये गृहस्थ धर्म है। अपापा यत्र पापम न भवति, जहाँ पाप नहीं होते हैं, मतलब इसका जहाँ पर वधशालाएं नहीं थी, कत्लखाने नहीं थे, हत्याएं जहाँ नहीं होती थी, ऐसी स्थान, ऐसी राजधानी जहाँ पर सबके ऊपर प्रतिबंध था। मुझे इस बात की जब कभी मैं सुनता हूँ प्रसन्नता होती है। आज भारतवर्ष में कुछ धार्मिक नगरियों में इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि वहाँ कत्लखाने नहीं चल सकते, वहाँ इस प्रकार की हिंसाएं नहीं हो सकती। ये प्रसन्नता की बात है। हरिद्वार के बारे में ऐसा है कि हरिद्वार में कहीं भी, उसके बाउंड्री में कहीं भी कत्लखाने नहीं चल सकते, कोई आदमी ऐसी हत्या नहीं कर सकता। अयोध्या में भी इस प्रकार का प्रतिबंध है, उसके बाहर जो होता वो अलग बात है। ये बहुत अच्छी बात है। और बंधुओं, ऐसी बातें और सी बात जो जैन धर्म के तीर्थ स्थल हैं और जो जैन धर्म के ऐतिहासिक नगर हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध होने चाहिए कि जहाँ पर हिंसाएं न हों। बंधुओं, मैंने राजा हस्तिपाल की नगरी की बात कही, उसकी राजधानी की बात कही जिसका नाम अपापा था, जहाँ पर इस प्रकार की हिंसाएं नहीं होती थी। उसने कहा भगवान आने वाला चतुर्मास आप मेरी राजधानी में करने की कृपा करें। भगवान ने मौन के साथ स्वीकृति दी। तीर्थंग उस प्रकार के वचनबद्धता में नहीं आते हैं, न उनका यह स्वरूप होता है। ठीक, उसने विनती की और जो मैं नहीं बता सकता उन्होंने क्या बोला तो है नहीं, जो भी संकेत किया, कुछ कहा, जैसे भी, उसका भाव यह था कि ठीक है अगला चतुर्मास हम अपापापुरी में करेंगे। एक और सवाल भी है, क्या तीर्थंकर चतुर्मास करते हैं, क्या इस प्रकार की मर्यादा में रहते हैं, क्या उनके ऊपर नियम लागू हैं। बंधुओ, व्यवहार वो भी निभाते हैं, चतुर्मास वो भी करते हैं, तीर्थंकर भी करते हैं, वो छद्मस्त काल में भी करते हैं। और बंधुओ, जब छद्मस्त काल समाप्त हो जाता है, जब वो केवल ज्ञान की स्थिति में होते हैं, सर्वज्ञ अवस्था में होते हैं, तब भी चतुर्मास करते हैं। भगवान की जिस रूप में भी स्वीकृति मिली, मिल गई,
बड़ी खुशी की बात हुई। राजा ने प्रभु के वंदना की और फिर अपने सब परिवार के साथ और राज्य की ये जितने भी उसके साथी सहयोगी थे सबके साथ प्रभु की भक्ति करके वो लौट आया। समय बीतता रहा, सरकता रहा, समय आया चातुर्मास का। और जब चातुर्मास का समय आया तो महाप्रभु विहार करते हुए अपापा नगरी में पधार गए। त्रिनगर वालों, भगवान पधारे अपापा में, एक बार जयकार करोगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। देवों ने, मनुष्यों ने, सभी ने प्रभु की भक्ति की, भगवान पधार गए, बड़ी खुशी की बात है। चतुर्मास कहाँ हो, एक राजा का स्थान था, रज्जुकशाला उसका नाम है। बड़ा विशाल था, बहुत बड़ा स्थान था, ऐसा स्थान था जहाँ पर संत विराजमान रह सकते थे, जहाँ धर्म देशना भी हो सकती थी, ऐसा विशाल स्थान था। राजा ने प्रार्थना की, भंते आप सर्वज्ञ महाप्रभु देख ही रहे हैं, ये स्थान है, आप यहाँ पर चतुर्मास करने की कृपा करो। भगवान ने उस स्थान के ऊपर अपने पावन चरण रखे, भगवान विराजमान हो गए। देवों ने जो कुछ तीर्थंकर के सम्मान में करना था, सिंहासन आदि लगाना करना, वो सब देवों का काम था, वो सब हुआ, किया गया। राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी, भगवान आ गए, भगवान पधार गए, हमारा अहोभाग्य है, प्रभु का आगमन हो गया। बंधुओ, चतुर्मास शुरू हुआ, भगवान नित्य प्रति देशना देने लगी, एक पहर तक प्रतिदिन देशना होती थी, यानी तीन घंटे देशना एक पहर तक होती थी। और भगवान की देशना में सब आते थे, मनुष्य भी, देव भी, त्रियंच भी, सब आते थे और भगवान की देशना श्रवण करते थे।